जब सर छापेमारी की जा रही थी तो आप सर उस समय वहीं पर मौजूद थे, तो छापेमारी के बाद क्या क्या बरामद हुआ इस पर सर कुछ बताना चाहेंगे? मंत्री हुआ करते थे तो वो समय ये बिना एग्जाम करवाए बिना कुछ पेपर के नौकरी देने का काम किए हैं और इसके बदले वो जमीन लिखवाने का काम करते थे। तो आप तो सर उस समय विधायक के पद पर थे, तो आपको सर इसमें कितना इसमें सच्चाई है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? सर खुल कर इस पर बताइए बढ़िया से जनता को। पूरे देश में कुली जो है कुली को लालू जी ने परमानेंट किया, रेलवे के कर्मचारी का दर्जा दिया, उसको रेलवे का सुख सुविधा जो अन्य कर्मचारी को मिलता था उसको लालू जी ने दिया। सर CBI छापा के बाद क्या सर तेजस्वी जी जाती है जनगणना का जो ये मुद्दा उठाए हैं तो क्या सर अभी सुस्त पड़ जाया गया सर, इस पर फिर आगे काम होगा? कुछ नहीं, वो सुस्त होगा। उसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी है हिस्सेदारी। लालू जी इस बात को कहे थे कि चाहे राजा का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको एक समान और सबको वोट देने का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसी चीज को तेजस्वी जी ने लाइन खींच दिया है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको हम उतना हिस्सेदारी देंगे। अंतिम सवाल सर, तेजस्वी जी भी लंदन दौरे पे गए हैं सर, कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ क्यों नहीं, न्यूज शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण के विधायक माननीय श्री भीम यादव जी से इस पर इनका क्या कहना है? लगातार टेंशन कूलर रोड पर राबड़ी लालू आवास पर छापेमारी चल रही है, तो आइए हम इनसे जानते हैं और फ्रंट पे ये मौजूद थे या नहीं, और थे तो इनको क्या क्या जानकारी वहाँ से मिला, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल हम लोग सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास अपने आवास से 10 नंबर जार से पैदल टहलते हुए कि हम लोग के आदरणीय नेता, परम आदरणीय देश के गरीबों के नेता आदरणीय लालू जी की तबीयत खराब चल रही थी और वो अभी दिल्ली में अपने बड़ी बेटी माननीय सांसद मीसा भारती जी के आवास पर इलाजरत हैं और इनका इलाज वहीं चल रहा है दिल्ली में। तो उनका हाल चाल जानने के लिए हम लोग अपने नेता के आवास पर जा रहे थे जी की तबीयत के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो जब ही हम लोग आवास पर पहुँचे तो वहाँ पहले से CBI के लोग पहुँचे हुए थे, तो पता चला कि छापेमारी चल रहा है। तो हम लोग रुके वहाँ तो देखे कि मार गाड़ी से CBI के अफसर या हो या जो भी हो सब भेजे हुए लोग थे और राजमाता हमारी नेता नेत्री देश की महिलाओं की शान आदरणीय राबड़ी देवी जी से के बारे में लोग बताया बाहर में कि पूछताछ चल रहा है। इसलिए ये सब किया गया कि लालू जी का भी तबीयत खराब है और ये सब रचना रचा जा रहा है तेजस्वी जी को घेरने के लिए कि लालू जी के परिवार में और लालू जी के बाद देश में गरीबों की जो आवाज़ और नौजवानों का जो सवाल तेजस्वी जी उठा रहे हैं देश में, इतना लोकप्रियता हम समझते हैं कि सिंगल नौजवान लीडर में देश में कुछ किसी के पास नहीं है। इसी कारण जो ये भाजपा गठबंधन की जो पार्टी है ये लोग सारे लोग लग करके और तेजस्वी जी को घेरा में, ऐसे लालू जी को कैसे परेशान किया लोग इस केस में, कभी उस केस में जेल भेजना ना ये सब करना, तो इनको भी परेशान करना चाह रहा है, लेकिन कहीं कुछ है ही नहीं। और बराबर लालू जी का परिवार न्यायालय पर भरोसा रखा है और मुझे उम्मीद है कि इस सब चीज़ों पर अंकुश न्यायालय लगाएगा। और कितने जगह पर छापा मारा गया कल? हम तो पेपरे और आप लोग के माध्यम से सुने कि 17 ठिकानों पर, अब पता नहीं जितने इनके लालू जी के हित नाता जो सगे संबंधी हैं सबको परेशान किया जाता है, इनके संबंधी की यहाँ इनके लालू जी के जो बेटी लोग हैं जो शादी ब्याह सबका हो गया है उन लोग को जानबूझ के इनके रिश्तेदार को परेशान किया जाता है हाँ मेंटली टॉर्चर करने के लिए। सर उन लोगों का विरोधियों का टारगेट किन पर है? तेजस्वी जी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर सर पूरी तरह से RJD पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं निशाना बना बनाकर? न तेजस्वी जी को कुछ होगा न RJD पार्टी को होना है। ये मास लालू जी के नाम पर, तेजस्वी यादव जी के नाम पर पूरे बिहार की जनता गोलबंद है और ये लोग को ड्रामा करने से ही तो CBI भारत सरकार का एक तोता है। माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा है और
उसके माध्यम से टॉर्चर करा रहे थे, उससे क्या होना, जनता पर क्या फर्क पड़ना है? जनता समझ रही कि तेजस्वी यादव को परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट कर करके उनको परेशान किया जा रहा है, और इसमें कोई बात थोड़े है। जब तक छापेमारी की जा रही थी तो आप सर उसी उस समय वहीं पर मौजूद थे, तो छापेमारी के बाद क्या क्या बरामद हुआ इस पर सर कुछ बताना चाहेंगे? कुछ बरामद नहीं हुआ, वो कुछ जैसा कि पेपरे में हम लोग देखे, वहाँ है कौन चीज, अरे वहाँ तो एक गरीब का वो आश्रम है, हम लोग सब जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं, लालू जी का वो समझिए कि एक हम लोग की आस्था है, नेता है हमारे, देश भर विदेश भर समझिए कि बिहार के लोग वहाँ पहुँचते हैं उस आवास को, लालू जी रहें या हमारे राजमाता राबड़ी जी रहें या ना रहें, लोग हम लोग जाते ही रहते हैं बराबर, एक हम लोग को जगह आस्था का केंद्र है, और कोई हमको समझते वहाँ कुछ नहीं, सुने तो कि खाली गोबर और गाय और यही सब जांच हुआ, और क्या निकलेगा, और वो जो नया अभी टेक्नोलॉजी चला है कंप्यूटर वम्प्यूटर उसका शायद कुछ ले गया है, जो न्यूज में हम लोग सुने वो जांच करें, वो सब ले जाने से क्या होगा, ये सब डिस्टर्बेंस करने का मैसेज खराब देने का खाली एक तरीका है, कोई उपाय नहीं है, तो जानवर की का तो लालू जी के घर पर छापा पड़ रहा है, राबड़ी जी के घर पर छापा पड़ा है, तेजस्वी जी के घर पर छापा कि देश में हल्ला हो। लेकिन जान लीजिए भाजपा को इसका मूल चुकाना पड़ेगा, आने वाला जो पार्लियामेंट चुनाव है, इस छापामारी से तेजस्वी जी के प्रति लोग को बहुत सिंपथी बढ़ा है, हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, गरीब लोग कहता है कि लालू जी को ऐसी करके फंसाया, अब तेजस्वी जी को घेरना चाहता है। विरोधी सर यहां तक आरोप लगा रहे कि जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो वो समय ये बिना एग्जाम करवाए बिना कुछ पेपर के नौकरी देने का काम किए हैं, और इसके बदले वो जमीन लिखवाने का काम करते थे, तो आप तो सर उस समय विधायक के पद पर थे, तो आपको सर इसमें कितना इसमें सच्चाई है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे सर, खुलकर इस पर बताइए बढ़िया से जनता को। ये बात फैक्ट है कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो आप जान रहे हैं पूरे 52 आज़ादी के बाद वैसा रेल मंत्री कोई नहीं हुआ, 90,000 करोड़ रेलवे को फायदा लालू जी ने दिलवाया था, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो देश के सबसे मानी जानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के छात्रों ने लालू जी से इंटरव्यू लिया, वहाँ के लोग को लालू जी ने ट्रेनिंग दिया कि रेल के जब हम मंत्री हुए तो हमने इस तरीका से फ़ायदा उठाया, वहाँ के बच्चों जो सबसे पढ़ने में तेज होते हैं वैसे वैसे यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन के लोगों को लालू जी से जानकारी लिया लोग कि आपने कैसे इसे रेल में फ़ायदा करवाया। लालू जी जब रेल मंत्री तो पूरे दुनिया में नाम हुआ, और रेल का जो उन्होंने कल कारखाने बिहार से लेकर अन्य देशों में भी अन्य माने राज्यों में भी उन्होंने जो काम किया, और गरीबों को जो फोर्थ ग्रेड के ये भी लोग भी कर्म ऐसी लगाता है आरोप, गरीब तबके के लोगों को लालू जी ने नौकरी दिया, अब बजाबते नियम कानून से नौकरी हुआ है, ये नहीं कि ऐसे ही हो गया। उसके बाद आज तक देखिए इतना मास पैमाने पर रेलवे में बहाली नहीं हुआ, उसमें कर्मचारी कौन है, सब गरीब का आदमी है, साधारण परिवार का आदमी है, उस आदमी को लालू जी ने सब इस बात को समझा जा रहा है, ये आरोप लगाता है कि जमीन लिखवा लिए, अरे उसका कोई हिसाब किताब है ना भाई, वो तो नियम कानून से ना कोई चीज़ होता होगा, इसलिए ये सब झूठा आरोप है, ये सब कुछ बात में दम नहीं है कि जमीन जमीन के बदले कोई नौकरी देगा, ये सब होने की बात है, ये सब नियम कानून से हुआ है, ये सब फंसाने के लिए बदनाम करने के लिए, और हुआ किसको, फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी जो गरीब आदमी है जो गरीबी के अंतिम पौधान के जगह पर है उसकी बहाली रेलवे में लालू जी ने किया है, कुली जो कुली को कोई पूछता था, आज पूरे देश में कुली जो है कुली को लालू जी ने परमानेंट किया, रेलवे के कर्मचारी का दर्जा दिया, उसको रेलवे का सुख सुविधा जो अन्य कर्मचारी को मिलता था उसको लालू जी ने दिया, इसलिए लालू जी के महानता को देखते हुए ये लोग अब लालू जी जहाँ खड़ा हो जाते हैं सब नेता देश के गौन हो जाते हैं, इस वजह से जलन है सबको, और कोई बात नहीं है। सर CBI छापा के बाद क्या सर तेजस्वी जी जातीय जनगणना का जो ये मुद्दा उठाए हैं तो क्या सर अभी सुस्त पड़ जाएगा सर, इस पर फिर आगे काम होगा? कुछ नहीं, वो सुस्त होगा, तेजस्वी जी कोई अकेले थोड़े हैं, तेजस्वी जी परेशान हो सकते हैं, तेजस्वी जी ने जो धारा को खींच दिया है जातीय जनगणना को
पूरे देश में हलचल है, इसी का परिणाम है कि सीबीआई का छापामारी हो रहा है। सब कोई अपने जात के आधार पर, आप जानवर की जनगणना करा रहे हैं तो जाति का क्यों नहीं जनगणना होगा? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी। हमारे पुरखा जगदेव प्रसाद ने कहा, ये सब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने इस बात को कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी है हिस्सेदारी। लालू जी इस बात को कहे थे कि चाहे राजा का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको एक समान और सबको वोट देना का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसी चीज़ को तेजस्वी जी ने लाइन खींच दिया है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको हम उतना हिस्सेदारी देंगे। हमारे मंडल कमीशन में इसका नियम है, लालू जी ने इसको लागू करवाया जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। इसीलिए ना जलन है कि सब जात अपना अपना अधिकार मांगने लगेगा, ये लोग के है कहाँ? भाजपा में या और पार्टी जो है, लालू जी से और तेजस्वी जी से क्यों जल रहा है कि जातीय जनगणना जो करा रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब का सपना सब साकार होने जा रहा है और तेजस्वी ने जो लाइन खींच दिया, अभी रुकने वाला थोड़े है, सब नौजवान को पकड़ लिया है। कि इंडिया के साथ आरोप है कि जातीय जनगणना करा कर सिर्फ और सिर्फ समय और पैसा का बर्बादी है, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पैसा कर, हम अपना हक को मांग रहे हैं, आप जानवर को क्यों जनगणना कराए, करा रहे हैं जानवर को? देश में हर चीज़ कितना मकान है, कितना घर है, कितना खेत है, सबका आप करा रहे हैं, आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? संविधान में ऐसा नियम बाबा साहब ने बनाया है ना कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी, मामला वहाँ पर अटका हुआ है। और तेजस्वी ने लाइन जो खींच दिया ना, पूरे देश में आज आने दिए तेजस्वी को, अगर इस कारवां को अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो पूरा जन समर्थन रहेगा और तेजस्वी इसके हीरो होंगे। बीपी मंडल से लेकर के और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के सारे नेता, बड़े बड़े हमारे देश के जो धरोहर थे, उनके सपना को तेजस्वी ने साकार करने की बात को उठा लिया है। उनके सपना साकार होगा इस चीज़ से, पूरे दलित बैकवर्ड महादलित को अधिकार मिल जाएगा इससे। इस वजह से लोगों को जलन है और कौन सी। एक अंतिम सवाल सर, तेजस्वी जी भी लंदन दौरे पे गए हैं सर, कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ, क्यों नहीं, तेजस्वी जी एक अच्छे जानकार और जो लंदन दौरे पर गए हैं, देश के दो चार लीडर गए हैं उसमें तेजस्वी जी का नाम आया है और वहाँ पर इनको भाषण देना है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। आने वाला समय में तेजस्वी देश के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरने जा रहे हैं और आज से ही स्वामी विवेकानंद गए और बड़े बड़े हमारे महारथी विद्वान लोग गए, उस श्रेणी में आज तेजस्वी जी हमारे लंदन में जा कर के और वहाँ अपना जलवा बिखेरेंगे और लोगों को बिहार देश की अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।